आज मैं आप लोगों के साथ में मेरा लंच मेन्यू स्टार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो आज है थर्सडे, देखिए आज मैं अपने लंच में क्या बनाने वाली हूँ। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा पैन स्टार्ट गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऑयल ले लेती हूँ। एक्चुअली मैं पका रही हूँ चिकन लेग, सो मैं जस्ट चिकन को आज मैं मसाला फ्राई करूँगी। सो आप देखिए मैं कैसे मसाला फ्राई करती हूँ। सो ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, इसको गोल्डन फ्राई होने तक मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ मेरा अनियन फ्राई हो गया, अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेती हूँ। इसे मैं एक मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं दूसरी तरफ ड्राई मसाले में मैं ले लेती हूँ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर। अब मैं इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इसे मैं मिला लेती हूँ। अब इसे मैं जब तक इसका ऑयल नहीं छोड़ लेता मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए इसका ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर मिला दूंगी। अब ये वाटर भी अब सोख लिया है पानी। अब मैं इसमें चिकन पीसेस मिला करके मैं धीमे आंच में इसको भूनूंगी। इसमें अब चिकन मसाला जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, मुझे ये पसंद है तो मैं ये मिला लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये चिकन मसाले की खुशबू, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अब मैं लो फ्लेम में इसको फ्राई करते रहूँगी। दूसरी तरफ मैंने ये चिकन पीसेस ले लिया है, इन चिकन पीसेस को मैं बीच में ऐसा कट कर लेती हूँ। अब मैं इसमें मसाले में मैं हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर मैं ले लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड। एक्चुअली मैं कर्ड घर पे ही बनाती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, सो मेरे पास जो ये पैकेट वाला अवेलेबल था तो मैं इसे ले लेती हूँ और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ले लेती हूँ। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। रेड चिली पाउडर और थोड़ा मैं ले लेती हूँ। इसमें मैं एक अंडा भी मिला लेती हूँ। मसाले को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करना है, जो मैंने कट किया है उसमें अच्छी तरह से मसाले को भरना है।
इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी 10 to 15 मिनट, ताकि अच्छा से मेरीनेट हो जाए। यहाँ मैं अपने हाथों को वॉश कर लेती हूँ। देखिए मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, तब तक मैं एक टमाटर काट लेती हूँ, इसे मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है और मेरा ये टमाटर भी पक गया है। अब मैं दूसरा कढ़ाई ले लेती हूँ। 10 to 15 मिनट हो गए हैं, तो देखिए मैंने निकाल लिया है, ये अच्छे से सेट हो गया था। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ लो फ्लेम में। यहाँ मैंने ये बीन्स लिया है और कैरेट, लॉन्ग बीन्स जिसे कहते हैं, इसको भी मैं फ्राई करूँगी। दोस्तों मैंने पकाने के वक्त ही मेरे हस्बैंड के लिए मैंने करेले का जूस बनाया है, आप देख सकते हो। अब चले मेरे साथ मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या होता है। हमारा बेडरूम है, ये मेरे हस्बैंड मोबाइल के साथ है, थोड़ा डार्क है। बिटर गुड जूस, आप देख सकते हैं इनका रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं, आप देखिए कैसे पी रहे। थैंक गॉड ये वंस इन अ टाइम इन्होंने ख़त्म कर दिया, नॉट बैड। सी दोस्तों इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, देखिए इनका रिएक्शन, गुड बॉय। यहाँ मैं किचन में आ जाती हूँ। देखिए मेरा चिकन ऑलमोस्ट पकने को है। मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया था क्योंकि नीचे से लग रहा था। देखिए दूसरी तरफ मैं चिकन फ्राई को भी देख लेती हूँ। मैं सब तरफ से मैं इसको पका लेती हूँ। मेरा चिकन बनके हो गया है तैयार, चिकन मसाला। अब मैं वसल्स को धो लेती हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई पे जो मैंने काटे थे गाजर और बीन्स, उसको मैं फ्राई कर लूँगी।
मेरा चिकन फ्राई हो गया है। सो मैं अब सर्विंग बाउल पे निकाल लूँगी चिकन फ्राई को। मेरा अनियन भी फ्राई हो गया है कैरेट और बीन्स के लिए, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और मैं कैरेट और बीन्स को दूसरी तरफ चढ़ा लेती हूँ और यहाँ मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। वो दिन के लंच में चपाती लेते हैं। कभी कभी मैं जब बिरयानी या फ्राइड राइस मैं बनाती हूँ तब वो राइस खाते हैं, लेकिन आज प्लेन राइस है सो इसीलिए वो आज चपाती ही खाएंगे। यहाँ मैं जल्दी जल्दी चपाती बनाती हूँ। यहाँ मेरा चपाती हो गया है बनके तैयार। मेरा कैरेट और बीन्स भी हो गया है। अब मैं यहाँ गैस स्टोव को क्लीन कर देती हूँ। पकाने के वक्त सब तरफ ऑयल मसाला लग जाते हैं सो मैं अच्छे से वॉल और गैस स्टोव को मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने कुकिंग वसल्स मैंने क्लीन कर दिया है। मैं वसल्स को भी मैं उस सेम प्लेस में रखती हूँ जहाँ कैरेट और बीन्स का पनीर, और ये रहा मेरा चिकन 65, चिकन फ्राई, चिकन 65 कुछ भी बोल ले। और ये रहा मेरा चिकन मसाला और ये राइस मैंने बना लिया। यहाँ मैं आ गई हूँ। हम सबका लंच हो गया और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा आज का लंच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो मुझे मोटिवेट करना ना भूले और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।